हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी, जिसका नाम है अंगूरी रस मलाई की रेसिपी। अंगूरी रस मलाई दिखने में जितनी सुंदर होती है, उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए झटपट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने छेना लिया है, 1 kg मिल्क का मैंने यहाँ पे छेना फ्रेश निकाला है, और उसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हो, पर मैं ग्लूटेन फ्री बना रही हूँ इसलिए इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। और कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसे हमें बहुत अच्छे से स्मूथ बना लेना है, दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छे से इसको हमें स्मूथ बनाना है, क्योंकि हमारा छेना जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, हमारे रसमलाई के जो रसगुल्ले हैं वो उतने ही ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेंगे, और उनमें इतना ही ज़्यादा स्पॉन्ज आएगा और उतने ही वो रस को भी पी लेंगे। तो ये देखिए, हाथों से हमें बहुत अच्छे से इसे बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। देखिए बिल्कुल प्लेट में भी नहीं चिपक रहा है, बहुत अच्छा स्मूथ हो गया है, बिल्कुल डो की तरह। अब इसकी हमें इस तरह से गोल गोल से बॉल्स जैसे शेप दे करके बना लेनी है। आप चाहो तो इसे चिपटी भी बना सकते हो फ्लैट करके, पर मैं यहाँ बॉल शेप दे रही हूँ। तो और इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी दरार नहीं आनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ये बॉल्स जो हैं, नहीं तो ये फट जाएंगे हमारे जब हम इसको चाशनी में डालेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ बॉल्स जो हैं हमने बना ली है। 10 से 11 बॉल्स हमारी बनी हैं 1 किलो दूध के छेने में। तो अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी लिया है। दो ग्लास पानी के अंदर में हम 7 से 8 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। हमारी चाशनी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें 2 इलायची मैंने डाली है, और ये जब बॉइलिंग पे आ गया है, चीनी गल चुकी है, तो इसमें हम अपनी जो ये बॉल्स बनाई थी हमने छेने की, वो इसमें डिप कर देनी है। तो इस तरह से सारी बॉल्स जो है हमें इसमें छोड़ देनी है। फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो ये देखिए, जब ये बॉयल होने लग गया है तो इसे हम ढक करके 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये अब मैं इसे ढक देती हूँ और हम 10 से 12 मिनट बाद इसे फिर से देखेंगे। तो चलिए, हमारे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम खोल कर देखते हैं। देखिए ये कितने अच्छे बिल्कुल फूल गए हैं। इसको टेस्ट करने के लिए कि हुए हैं या नहीं, इसमें से एक निकाल कर हमें पानी में डालना है। देखिए ये बिल्कुल पानी की तली में बैठ गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। अगर ये फ्लोट कर रहा होता ऊपर तो हमें थोड़ा और कुक करना होता। तो चलिए अब इसको हम गैस को ऑफ करके 10 मिनट के लिए रसगुल्लों को चाशनी में ही छोड़ देते हैं। अब हम एक कटोरी में इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इसका जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 1 ग्लास मलाई वाला दूध लिया है कढ़ाई में, उसी सेम कढ़ाई में आप ले सकते हो। और इसे थोड़ा गर्म जब हो जाए तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी डाली है। बहुत ज़्यादा चीनी हमें नहीं डालनी है, क्योंकि हमारे जो रसगुल्ले बने हैं वो भी चाशनी में बने हुए हैं, वो भी मीठे हैं। फूड कलर डालना है हमें थोड़ा सा, लगभग 1/2 चम्मच। फूड कलर से इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा आएगा। तो ये देखिए, जब हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता है, और बीच बीच में हमें इसे स्टर करते रहना, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा। तो ये देखिए, ये गाढ़ा होने लग गया है थोड़ा थोड़ा। इस स्टेज में हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, नहीं तो ये तिलदली में बिल्कुल चिपक जाएगा। देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, एकदम रसमलाई की रस की तरह। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, और हमने जो छोटे छोटे रसगुल्ले बनाए थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और डालने के बाद में इसे हम कम से कम भी 1/2 घंटे के लिए डाल करके, 1/2 आवर के लिए इसे डाल के छोड़ देना है। तो इसे मैं ढक करके रख देती हूँ।
ये आधे घंटे बाद मैंने इसको बोल में निकाल लिया है, सर्व कर लिया है। इसे हम गार्निश कर सकते हैं बादाम या फिर किसी भी दूसरे ड्राई फ्रूट से। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।